वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राज भाई। और आज आपके सामने अगेन अगेन एंड अगेन देख सकते हैं हिमालयन 450, और वो भी आई है पंजाब से स्पेशली फॉर हमारी वीडियो देखकर। और इतना प्यार आप लोग हमें करते हैं तो हम तो कहेंगे ऐसा प्यार हमेशा बरकरार रहेगा, और हम अब आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जैसे कि आज भैया से पहले मिलवा दो, इंट्रो कराता हूँ, आज फर्स्ट इंट्रो कराता हूँ। आइए भैया। तो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताइए और ये बताइए आपको कैसा लगा अभी आकर। मेरा नाम मोहित है और राजू भाई के वीडियोस मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 8-9 महीने से, मैंने जब से बाइक प्लान किया था। इनको मैंने कई बार मैसेज किया कि मैं बाइक लूँगा तो आपसे सारा वो करवाऊँगा। मार्केट में बहुत नाम घूम रहे हैं लेकिन जो असली है खरा सोना यही है। अगर किसी ने आना है, एक फर्स्ट कॉपीज आपको 1000 मिलेंगी लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होता है। राजू भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, जब से मैं आया हूँ मतलब मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरी अपनी दुकान नहीं है। ऑब्वियसली अपनी दुकान है बड़े भाई आपकी। तो ऑल ओवर पंजाब कितने किलोमीटर जहाँ से आप आए हैं? ऑलमोस्ट 300 प्लस किलोमीटर चल के आया हूँ मैं मोहाली से आया हूँ, और 4-5 घंटे लगे मुझे। कल रात को पहुँचा था, फिर सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ। मैंने भैया को बोला मैं कल सुबह आऊँगा तो बोलते आपने जितने मर्जी बजे आने आ पाओ, मैं दुकान पहले खुलवा दूँगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आराम से आऊँगा क्योंकि मैं भी थक के आया हूँ, मैं आराम से आऊँगा 10-11 बजे के करीब। तो मैं आया हूँ, अब भैया ने काम शुरू किया और मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं भैया आने के बाद तो सेटिस्फाइड है। आप यहाँ से जाएंगे तो कैसे जाएंगे वो भी वीडियोस मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ इसको, देख सकते हैं हिमालयन कर जो हमारा सबसे पहले काम था फॉग लैंप्स का, वो गाड़ी खोल दी गई है। देख सकते हैं टैंक पूरा ओपन हो चुका है, और जो मैं वायरिंग दिखाता हूँ वो कपलर टू कपलर वाली, वही इसके अंदर काम होने वाला, जो कि भैया ट्रस्ट करके आए हैं कि वही सेम काम मिलेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं बाकी सारा काम भैया ने क्या हुआ, भैया थोड़ा सा लेट हो रहे थे तो भैया ने कहा यार मैं थोड़ा काम करा लेता हूँ, तो भैया ने ऑलमोस्ट काम वैसे करा लिया है। सैडल स्टे हो गया, टॉप रैक टॉप बॉक्स लगा लिया उन्होंने, और अभी इसके अंदर क्रैश गार्ड लग चुका है। इधर देखेंगे तो आपके हैंड गार्ड वगैरह, मोबाइल होल्डर, इधर GPS माउंट, वाइजर एक्सटेंडर, बोर बैड डॉक की फॉग लैंप, ये सारी चीज़ें लग चुकी है। बाकी दो चार आइटम इसमें और ऐड ऑन करनी है, वो ऐड ऑन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे पूरी वीडियो की इसमें क्या क्या हुआ है। तो फ्रेंड जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि वायरिंग जब भी कराएं कपलर टू कपलर कराएं, कोई जुगाड़ चालू बाजी काम ना करें। वो देख सकते हैं हम जो करते हैं वो हमने आपको दिखा दिया, पूरा कपलर टू कपलर काम होता है। देख सकते हैं आप, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल वायरिंग नज़र नहीं आएगी इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर लुक चेकआउट कर सकते हो आप, सेम इधर देखेगी आपको। और ये देखो लाइट लगा भी दी गई है, देखिए अभी टाइट करनी बाकी है, लाइट फिटिंग होगी, वायरिंग वगैरह सब इसकी इंस्टॉल हो चुकी है इसके अंदर। ये देखिए इधर भी कोई आपको जुगाड़ अल्टरेशन कुछ भी नहीं नज़र आएगा इसके अंदर, प्रॉपर कपलर टू कपलर हमारा काम होता है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो इसके अंदर। और हमेशा जब भी लाइट लगती है ना ये, तो ये खुल के ही लगती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ना अंदर ना बाहर। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप काम करें तो एक प्रोफेशनल वर्कर से ही कराएं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से कराएं, उसका वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस मस्ट है, जो कि मैं आपको हर बार इसीलिए आपको दिखाता हूँ कि आप इतनी महंगी बाइकें खरीदते हो, हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि इंसिडेंट के रास्ते में आप खड़े हो, परेशान हो कि भैया मेरा तो ये हो गया मेरा वो हो गया। तो इस केस में ये सेम वायरिंग का वर्क जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए, कपलर टू कपलर वाला। तो बाकी वीडियो बने रहिए, अभी पूरी वीडियो देखनी बाकी, पैक करने दिखाता है आपको कि कंप्लीट होने में कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको दिखाया कि इसका कैसे काम होता है, और फॉग लैंप वगैरह लगाते हैं तो कपलर टू कपलर कैसे लगाई जाती है, पूरा टैंक खोल के अंदर वायरिंग जो होती है वो कपलर टू कपलर होती है, कोई कटी नहीं कोई अल्टरेशन नहीं, जैसा मैं बताता हूँ वो मैंने सारा आपको दिखाया है इसके अंदर। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर कार्बन रेसिंग का लगा हुआ वाइज़र, जो कि देख सकते हैं ऑनलाइन ही मिलता है, आफ्टर मार्केट आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये इसमें लगा देगा। इधर आपको मिलेगा प्रोशिप स्पेस का आपको वाइज़र जो एक्सटेंडर जो कि लगा देगा इसके अंदर। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर GPS माउंट, जो कि देख सकते हैं ये लगा दिया गया इसके अंदर प्रॉपर फिटमेंट के साथ। साथ में मिलता है सिमटेक का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जो कि वाटरप्रूफ प्रूफ वाला होता है, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। और इधर आपको देखने मिलेंगे आपको BSGP के आपको हैंड गार्ड, जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी के, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, उसमें लगा दिए गए हैं। ये होती है पूरी मेटल रॉड, ये होता है आपका फाइबर का, जो कि जल्दी से टूटता नहीं, ख़राब नहीं होता, और इससे आपके हैंड और लीवर दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये न्यू लुकिंग वाले आ गए हैं इसके अंदर मिरर, जो कि आपको देखने मिलेंगे, बिल्कुल ही लेटेस्ट हैं, और हमने इसमें फर्स्ट लगाए हैं अपनी इस बाइक के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी करनी ज़रूरी होती है लगाने वाली। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एडजस्टिंग वाले हैं ये, कहीं से भी कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर लो इसके ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ज़रूरी नहीं आपको हैंड पे लगा ऊपर लगाना है, आपको चाहे तो साइड में भी आप इसे लगा दें, बारन में भी इसे यूज़
कर सकते हो, इजीली यूज़ हो जाता है ये। लुक आप देख लो आगे से कैसी आ रही है, पूरी बल्कि लुक हो चुकी है इसकी, और मिरर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है इसके लगने वाले। और इसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर मैट डॉ की लगा दी गई इसका फॉग लैंप, क्योंकि रोशनी आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। ये देखिए, ये सिर्फ येलो अभी इसलिए है क्योंकि कवर लगा हुआ है, कवर हटाएंगे तो आपकी हो जाएगी ये वाइट। ये देखिए, ये हो गई इसकी वाइट, तो ये इसकी रोशनी होती है येलो और वाइट की। तो जिन लोगों को कवर वाली चाहिए, मैट डॉग पे भी जा सकते हैं, एचजेजी पे भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटियां जो मिल जाती हैं। वैसे नॉर्मली येलो वाइट ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, तो वो ज़्यादा मैं भी प्रेफर करता हूँ कि येलो वाइट में आपको डबल बेनिफिट मिलता है। जैसे कि दिखा दो नीचे, ये नीचे देख रहो, ये वाई वाली फॉग लैंप जो इसके इंस्टॉल कर दी गई है, और ये है आपकी एचजेजी ओरिजिनल फॉग लैंप वाई वाली जो मिलती है आपको विद हार्नेस। ये देखिए, ये होता है इसका हार्नेस का बटन, देख सकते हैं आप, इसमें दो बटन होता है, पीछे ब्लू आगे रेड। रेड ऑन करूँगा तो आपकी हो जाएगी स्टार्ट लाइट। ये देखिए, ये आपकी लाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। ये आपकी वाइट हो गई, ये आपका येलो वाइट, और फिर येलो, और ब्लिंक करना तो आपका ये रहा ब्लिंक, ये आपका येलो पे ब्लिंक, ये आपका वाइट पे ब्लिंक, और इसके बाद मिलता है येलो वाइट, ये भी ब्लिंक। तो इसमें भी काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाते हैं आपको। और बंद करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, अगर हम इसे पुश करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी आपकी लाइट बंद। और क्लैंप जो है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के क्लैंप्स हैं, क्योंकि यूज़ के इधर भी नीचे भी सेम मिलते हैं आपको, ऊपर भी ये देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी क्लैंप है जो इसमें यूज़ किए गए हैं। और इसकी जो लुकिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है, और जब ये राइड पे जाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे लेके जाने के लिए, क्योंकि रोशनी अल्टीमेट है इसकी। साथ में मिलता है आपको, देख सकते हैं क्रैश गार्ड जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है ओरिजिनल जाना का, आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी जो देखने मिलेगी आपको। स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर मिलता है इसके अंदर, सेम लुकिंग आपको उस तरह मिलती है इसकी, देख सकते हैं। और इससे आपके टैंक्स और आपके खुद के लैग्स पूरी तरह से होते हैं, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ जो लगा दी गई है। साथ में एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, इधर आइए, ये देखिए, जैसे जब राइड कर रहे हैं ना तो राइड करते हुए क्या होता है, बैग को खोलना पड़ता है वाटर बॉटल के लिए, तो उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वाटर बॉटल इसमें लगाइए और बहुत ही ईजिली इसके अंदर हैंग हो जाए। चेक कर दो किस तरीके से रखती है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये वाटर बॉटल है, ये इसके अंदर लगा दी गई है, और ये मूव नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी, क्योंकि अंदर इसकी लगी हुई रबड़, और ये ऐसे निकलने वाली भी नहीं है। इसको निकालने के लिए सिंपली पुश करना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, तो ये इजीली निकलेगी, और बहुत ही ज़्यादा टाइट जाती है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल चलेगी, ये समझ लो लॉक हो गई है, ये लॉक हो गई इसकी। और लुक देख लो क्या ज़बरदस्त है, क्वालिटी एक नंबर है, क्योंकि जो फ्रेम है इसका पूरा मेटल का फ्रेम दिया गया है, ये एल्युमिनियम का, ये लोहा है इसका, और नीचे मिलता है आपको कपड़े का बहुत ही अच्छी बिल्ट क्वालिटी का जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। साइड में जाली भी है जिससे कि आपका पानी भी अगर लीक होता तो बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग के साथ लगा दिया गया इसके अंदर बॉटल होल्डर। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा सैडल स्टे, जो भी देख सकते हैं आप, ये इसकी सैडल स्टे जो इसमें लगा दी गई है, इस तरफ भी सेम मिलते हैं आपको, उस तरफ भी सैडल स्टे, और इसमें टॉप बॉक्स भी लगाया हुआ। टॉप बॉक्स भैया ने ये सारा काम जो अपने भैया ने अपने घर के आसपास कराया था, तो टॉप बॉक्स भैया वहीं छोड़ कर आ चुके हैं, जब भैया राइड पर जाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर आकर इसकी मॉडिफिकेशन तो हो गई कम्प्लीट, और अब मिलाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है। तो हेलो भैया, वेलकम बैक वंस अगेन। जब आप सवेरे आए थे तो कुछ और माहौल था, अब कुछ और माहौल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ सब कुछ बदल दिया राजू भाई ने, जो जो बोलते हैं कि हम लगाते गए, बड़ा मज़ा आया, कोई जल्दी नहीं की, ये नहीं था कि फटाफट लगाओ और बाहर निकलो, मैं खुद बोल रहा था राजू भाई बहुत हो गया मुझे जाने से, बोल रहे थे कोई बात नहीं आराम से बैठो, चार बार चाय पिला दी, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, मतलब जिसको बोलते हैं कि कोई भी मतलब वो नहीं है, किसी और दुकान पर जाओगे कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है राजू भाई बिल्कुल ऐसे, अब राजू भाई बोल दिया तो भाई की तरह बिल्कुल ट्रीट करते हैं सबको। और मैंने देखा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं जितने कस्टमर आ रहे हैं सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, मतलब जिसको डाउन टू अर्थ बंदा है बिल्कुल वो है ये बंदा। तो सब आप लोगों के प्यार की वजह से, और मैं प्यार का भूखा हूँ, और समझ लो कि इतना प्यार अगर आप मुझे दे रहे हो, मैंने उसमें थोड़ा सा अगर आपको दे दिया, तो ये मेरा गुडनेस है, मेरा प्लेजर है कि मुझे मिल रहा है। क्यों गलत तो नहीं कर रहा सर? बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर जो आप लोग इतनी दूर से प्यार की वजह से जा रहे हो, काम तो आप कहीं से भी करा सकते हो। यानी अब आप तभी आए थे प्यार की वजह से, प्यार की मैंने वीडियोस देखे थे, मैं भी देखना चाहता था कि सच में है कि नहीं, लेकिन हाँ सच में है, बिल्कुल सच है, जो वीडियोस में है वो वैसे ही है, ये नहीं है कि वीडियोस में अलग है और वैसे अलग है। सेकेंडली स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मतलब जो बोलोगे वो बात सुनता है, कई जगह पे तो बाकी जगह पे तो होता है ना स्टाफ जो है वो सिर्फ मालिक की सुनता है, जो आदमी होते हैं लोगों की उनकी तो बात भी नहीं सुनते। तो ऑल अबाउट भैया सेटिस्फाइड है भैया, मैं मन से एक बार फिर पूछना चाहूँगा कि अगर कोई जैसे आप मान लो पंजाब से आए हैं मोहाली से, आप एक बार वहाँ का पूरा एड्रेस कहाँ से आए हैं, मैं फिर उसके बाद बताना कि चंडीगढ़ के पास एक जगह है, जैसे यहाँ पर ट्राई सिटी बोलते हैं वहाँ पर भी ट्राई सिटी है, चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली, तो मैं मोहाली से आया हूँ।
तो और बेसिकली अगर कोई और बंदा कहीं और से आना चाहे किसी भी कोने से कोई तो प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकते हैं। राजू भाई को व्हाट्सएप करें, वो अपना लोकेशन भेजेंगे। मैंने किसी से नहीं पूछा रास्ता, जो उन्होंने लोकेशन भेजी सीधे उसके सामने आकर रुक गया और बाहर पूछा राजू भाई है, बाहर इनके पूछे थे लोग क्या करवाना, मैं कुछ नहीं करवाना, राजू भाई से पहले बात करूंगा उसके बाद मैं हाथ लगाऊंगा चीज़ को, क्योंकि इनको भी पता है कुछ भैया बोलेंगे उसके बारे में, पता ना। फर्स्ट कॉपीज बहुत घूम रही है मार्केट में, उससे सावधान रहे। तो इसीलिए भैया ने पहले मुझे पूछा कि राजू भाई हैं, बट मैं थोड़ा शायद वीडियो बना रहा था क्या, थोड़ा बिजी था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि भैया, तो भैया राजू भाई मिल गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, सही जगह पे पहुंचे तो फिर सीधा सिंपली गाड़ी अंदर जब से आ गई है और अब निकलने जा रही है, गाड़ी इनकी तैयार हो चुकी है, वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, सारी वीडियो हमें चेकआउट कर रही है कि इसमें क्या क्या किया, किस तरीके से किया गया है, और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ भैया ने पहले ही बोल दिया है और मैंने बहुत कुछ दिखा दिया है। अब आपको आना कहाँ पर है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको आना दिल्ली करोल नाइवलन के अंदर, जो कि मिलती है SKD के नाम से शॉप, और मैं जो शॉप है राजू भाई SKD ये जरूर देख लें, क्योंकि राजू भाई जहाँ नहीं मिलेंगे वो SKD होगा ही नहीं, वो ऑब्वियस ही बात है, कौन सी होगी, फर्स्ट कॉपी होगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, इसको ध्यान देंगे तो आपका काम हमेशा बेहतर होगा, बढ़िया होगा, और ध्यान देंगे बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो उन्होंने भी काम कराया था, तो उनका जो बैंड बजाई है शायद हो सकता है पहले वो आए या हो सकता है पहले ये आए, ये तो मैं कह नहीं सकता, बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग में रहती है, 15 से 20 वीडियो पेंडिंग रहती है मेरी, तो मुझे नहीं पता कौन सी पहले प्ले करूँगा मैं, और ये वीडियो आएगी कल या वो आएगी कल, तो जो भी वीडियो मिले आप देखना ज़रूर, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा फेयर चीज़ मिलेगी आपको, कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी, किसी चीज़ का हाइडनेस नहीं होती हमारे पास, सबसे मेन ये हम जो करते हैं ओपन करके दिखाते हैं, कुछ ये नहीं कर भैया आप इधर हो जाओ, भैया उधर हो जाओ, सामने बैठ के रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि भैया भी सुबह से बैठे हुए हैं, मैं भैया से कह रहा था भैया चेयर तो ले लो, लेकिन भैया चेयर कहाँ ले रहे थे भैया, बिना चेयर खड़े हुए देख रहे थे, मैंने कहा भैया बैठ के देखो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सब कुछ समझ आ चुका है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।